ओ सॉरी, आप लोग आ गए। इसकी बुरी लत लग चुकी है मेरे को। स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट ऐसे ही ट्रिप के दौरान इसको मैं कई बार पिया हूँ। मजा आ गया भाई इसके टेस्ट में। आई फाउंड इट बेटर देन रेड बुल। खैर, दिस व्लॉग इज नॉट अबाउट दिस ड्रिंक। दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस होली 2022 वीकेंड ट्रिप टू ग्वालधाम। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एपिसोड, जस्ट टू गिव एन इनसाइट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, वहाँ पे आप लोगों ने देखा मैंने ड्रोन उड़ाया था दो बार। दो इंस्टेंसेस होंगे ड्रोन के। पार्किंग स्पेस से हमने उड़ाया था एंड द सेकेंड वन वॉज एट द मॉनेस्ट्री। एंड देर वॉज नो अदर ड्रोन फुटेज इन दैट एपिसोड एंड ऑल्सो इन दिस एपिसोड देर इज नो ड्रोन फुटेज। रीजन सारे बता दूंगा। नाउ जो ड्रोन फुटेज आपने देखा लास्ट एपिसोड में, दे ऑल हैपेंड आफ्टर आई क्रैश्ड द ड्रोन। यस, यू हर्ड इट राइट, क्रैश्ड। ये भाई साहब बहुत बुरी तरीके से क्रैश किया था, गलती इसकी नहीं है। व्हाट आई वाज डूइंग इज आई वाज फ्लाइंग द ड्रोन बैकवर्ड्स। सो ऐसे जा रहे थे ड्रोन एंड देयर वाज अ पाइन ट्री जो जैसे मैं देख रहा था एंड इट वाज टू इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 15 मीटर्स। यस, देयर आर हैक्स, आई नो 15 मीटर से ऊपर लेके जा सकता हूँ, बट DJI के स्टॉक ऐप से कर रहा था बिकॉज GPS सिग्नल वीक था वहाँ पे। ऐप में बता दिया था कि यू हैव रीच द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड। तो मैं बड़े मजे से इसको लेके जा रहा हूँ, पाइन ट्री के ऊपर से जा रहा है ड्रोन, मैंने देखा एंड देन सडनली इट हिट समथिंग एंड इट जस्ट, मैंने आंखों के सामने ऐसे गिरते हुए देखा मैंने उसको। और व्हेन इट वाज ऑन द ग्राउंड इट वाज अ वेरी हार्ड क्रैश, एकदम फुल स्पीड में गिरा। और जब गिरा था द ड्रोन वाज लाइक दिस अपसाइड डाउन। द गुड पार्ट इज जैसे ही वो फ्लिप होते हैं तो इट कट्स द पावर ऑफ सो दैट द प्रोपेलर्स गेट सेव। सो भाई साहब ऐसे उड़ते हुए गए पीछे और जब गिरा था तो ऐसे पड़ा हुआ था। मेरा तो मिनी हार्ट अटैक आ चुका था वहीं पे। मैंने ना गया मेरा ड्रोन, ड्रोन उड़ाने का सपना यहीं पे खत्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खुद को मन ही मन में गाली दे रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ देख, यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस है। गॉड्स ग्रेस, आप लोगों की दुआएं, द ड्रोन फ्लू परफेक्टली फाइन। सो जो भी ड्रोन शॉट्स आपने देखे होंगे लास्ट और द सेकेंड एपिसोड में, सो इट वॉज ऑल फ्रॉम दिस ड्रोन ओनली एंड पोस्ट क्रैश। यही मेन चीज बताना था। बहुत गर्मी है, एसी पंखा दोनों ऑफ करके बना रहा हूँ ये व्लॉग। ऊपर से ये लाइट, वरना मैं दिखता नहीं हूँ, काला हूँ ना। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज द डे 3 एंड टुडे इज द वन वी आर अबाउट टू लीव फॉर आवर होम्स, रेस्पेक्टिव होम्स, इन अ कपल ऑफ आवर्स फ्रॉम नाउ। अभी टाइम है 6 बजे, सनराइज का टाइम है। तो अभी हमने वहाँ पे, मेरा कैमरा तो नहीं लेके आया, मतलब प्रॉपर कैमरा, तो मेरा गूगल पिक्सल वहाँ पे लग रहा है, टाइम लैप्स शूट कर रहा है वो सनराइज का। और प्रतीक भी वहाँ पे अपने गोप्रो से टाइम लैप्स शूट कर रहा है सनराइज का। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, गाड़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिक पॉइंट्स ऑफ कौसानी। और इसके बारे में मैं अभी बताऊँगा डिटेल में। और दिस इज़ जस्ट एडजेसेंट टू आवर होटल, तो यहाँ पे पीछे कहीं पे है, अभी फेस ट्रैकिंग होना है ना, तो ये मेरे को हाथ मुंडी को फॉलो कर रहा है। अब इस जगह के बारे में बता देता हूँ, दिस इज़ बेसिकली एन आश्रम। एंड अगर आपको पता है कौसानी को भी, आई वुड यूज़ द वर्ड भी बिकॉज ऐसे बहुत सारे जगह है जिनको कहा गया है कि इट्स स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जैसे ओली के बारे में भी बोला जाता है, इस जगह को भी बोला जाता है। सो लेट्स नॉट गो इनटू द डिबेट व्हिच वन इज़ द राइट वन एंड ऑल दैट, बट द थिंग इज़ दैट ये जो जगह है, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे महात्मा गांधी जी आए थे और यहाँ पे रुके थे। और उन्होंने ही इस जगह को कॉइन किया था इस नाम से कि दिस कैन ईजिली बी कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कौसानी सो ब्यूटिफुल, दिस फॉल्स अंडर उत्तराखंड टूरिज्म। तो अभी दिखा दूंगा, सामने मेरे सारे बोर्ड है, पूरा बीरोल दिखा दूंगा। तो लेट्स गो अहेड एंड एंजॉय ऑल द मोमेंट्स दैट वी आर कैप्चरिंग। अगर आपको हिंदी पढ़ना होगा, हिंदी से आप यहाँ से पढ़ सकते हो, स्क्रीन को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे ये जो है इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये है, इसको भी आप चाहो तो पॉज कर लेना। और ये आश्रम कैंपस, ये है महात्मा गांधी जी की मूर्ति। और दिस इज़ व्हाट दिस प्लेस इज़ कॉल्ड, अनासक्ति आश्रम।
आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, अगर नहीं है तो हंसना मत, करेक्ट कर देना कमेंट्स में। तो यही है, यहाँ पे भी आप कैमरा वैमरा लगा सकते हो, सामने से वो पूरा हिमालयन रेंज दिखता है। अगर आप मेरे पहले वाला कौसानी वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दिखा रखा था, बट अभी काफ़ी धुंध है। तो अभी ये आश्रम है, ये गांधी जी का जो फेमस वो है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। इस इंसान को मैं नींद से उठा के लेके आ गया, ये अभी भी स्लीप मोड में ही चल रहा है, स्लीप मोड एक्टिवेटेड, पार्शियली एक्टिवेटेड, बैटरी अबाउट टू डाई, ऐसा सिचुएशन पे अभी भी है। आपको लगा हुआ है टाइम लैप्स शूट करने में, और उधर मेरा छोटा सा पिक्सल, 6:15 वाज द टाइम, तो अभी टाइम हुआ है 6:08। तो अभी टाइम है 9:55 और चेकआउट कर लिया हम लोगों ने, बाइक पे सामान भी बांध लिए और अभी निकलना है यहाँ से। इस बार हम रूट अलग लेंगे क्योंकि आते वक्त हमें जो रूट जहाँ पे मैंने ब्लैक पे पेट्रोल डलवाया था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रूट था, उबर खाबड़। ठीक है अभी डाउन हिल है बट फिर भी उस रास्ते से जाने का मन नहीं है, इसके बाइक में पेट्रोल भी कम है। ये अलग बात है आज होली वोली का तो सेलिब्रेशन होगा तो पेट्रोल पंप्स खुला मिल जाएंगे, हमें ब्लैक में तो नहीं डलवाने पड़ेंगे, बट स्टिल वी वांटेड अ बिट ऑन द फास्टर साइड ऑफ द रूट। तो अभी यहाँ से जाएंगे सोमेश्वर, सोमेश्वर में आई गेस वी विल बाई सम स्वीट्स फॉर आवर होम, एक बाल मिठाई करके वहाँ पर मिलता है, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा होता है, तो वो लेंगे और फिर वहाँ से रानीखेत नैनीताल होते हुए घर। तो जहाँ पे जितना भगा सकते हैं भगाएंगे क्योंकि अभी तो हम धीरे धीरे समवट ठंडा जो है यहाँ पे उससे फुल ऑन गर्मी की तरफ जाएंगे। ये हमारी रूम थी और अभी हम वापस जाएंगे, आई गेस वी विल बी गोइंग बाय द अल्मोरा रूट, इवन दो द अल्मोरा रूट इज़ नॉट वेरी गुड इन शेप एंड कंडीशन, बट अल्मोरा में वही बाल मिठाई करके एक मिठाई मिलती है, तो वो अगर इन इसको भी घर के लिए ले जाना है, मेरे को भी, मैंने भी सोचा घर के लिए थोड़ा सा ले जाओ, तो वही एक है। और बता रहे थे अल्मोरा वाला रूट शॉर्ट पड़ता है, अब पता नहीं, देखते हैं आगे जाके क्या डिसीजन लेते हैं। सोलेस बैग हैज़ परफॉर्म रियली गुड, आई मीन थोड़ा सा वॉबल इसने भी किया बिकॉज इसमें मैंने थोड़ा सा ओवर पैकिंग कर दिया, तो अभी मैंने ड्रोन को यहाँ से हटा के इसमें कर दिया शिफ्ट, और इसमें बस बेसिक ऑन द गो जो चीज़ मेरे को चाहिए वही है, बाकी द प्रॉपर्टीज़ गुड। हमें तो पहाड़ आज भी देखने को नहीं मिला, वरना यहाँ से बहुत सही और बहुत क्लोज से व्यू मिल जाता है, कल बेटर व्यू था इससे, आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये है प्रॉपर्टी, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बैठ के खा सकते हो। तो भगवान का नाम लेके होम जर्नी चालू करते हैं। जय माता दी, बोलो सांचे दरबार की जय। ठीक है जी, थैंक यू, लोग बहुत अच्छे हैं प्रॉपर्टी के, तो अब आते हो तो इस पे ज़रूर ट्राई करना, कौसानी रेजेंसी डाक बंगला इस नाम से। अभी पहले ब्रेकफास्ट करेंगे यहीं पे, कल रात को जहाँ पे खाए थे उसी पे जाके ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लेंगे और फिर निकलेंगे घर की ओर, फ्रॉम ठंडा टू डंडा।
दिल्ली में तो ऑलरेडी 40 के आसपास टेम्परेचर है। अगर आप आते हो ना यहाँ पे तो ये स्टारगेट ऑब्जर्वेटरी है, इस पे भी आप यहाँ पे पूरा टेलीस्कोप वेलीस्कोप लगा हुआ है, तो इससे आप पूरा वो कर सकते हो, पूरा तारे वारे देख सकते हो। बट एक ये है, लास्ट बार हम लोग जब आए थे ना तब उसका जो चार्जेस थे दैट वाज 150 पर हेड। बट इस बार हम लोग जब गए थे मैंने सोचा था इसको बोलूँगा कि चल एक्सपीरियंस कर ले ये चीज़ भी। इट वॉज जस्ट आई मीन इट वॉज क्वाइट अ बिट शॉकिंग बिकॉज नाउ द चार्जेस आर 500 पर पर्सन एंड दैट टू फॉर 1 आवर। ये देखो जैसे ही होली की वो ख़त्म सारे ट्रैफिक बाहर और जाम लग गया। बाइक एडवांटेज आगे आगे ये वाला था। दिस इज द रूट टू अल्मोड़ा। हमें बोला गया था कि रास्ता खराब है, पता नहीं आगे क्या सीन है, बट फिलहाल तो रास्ता बहुत ही ऑसम है। बट जस्ट बिकॉज होली इज ओवर द ट्रैफिक हैज इंक्रीज्ड एंड इट्स अ मिक्स ट्रैफिक दैट वी आर फेसिंग, सम गुड सम आर नॉट सो फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में कोई नदी भी चल रही है, आई एम नॉट श्योर विच नदी दिस इज। मेरे को बीच में बोर्ड में, हिंदी तो मैं इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाता हूँ, बट बोर्ड में जो लिखा था एंड इफ आई रेड इट राइट इट वॉज रिटन एज कोसी। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स द नेम ऑफ एनी प्लेस दैट वॉज रिटन और कोसी करके एक नदी भी है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ दैट और नॉट। बाकी तो रोड्स आप देख ही लो कितना मस्त बना रखे है एंड आई बिलीव दिस इज अंडर BRO तभी इतनी अच्छी रोड्स है। सेटलिंग अप मेक्स द लाइफ इजी एंड गिव्स योर बम अ नाइस ब्रेक। उत्तरी फैमिली रेस्टोरेंट का नाम द व्हाइट हाउस। मेरे अगर कोई सब्सक्राइबर US से है बुरा मत मानना। अल्मोड़ा तक पूरे साइडल करके जाना पड़ेगा क्या? पार वाले भी सोच रहे होंगे कौन सा पागल आ गया बिना बैठ के खड़े होके बाइक चला रहा है। स्टंट स्टंट KTM के साथ लोगों ने पता नहीं स्टंट को क्यों जोड़ रखा है। आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स। भैया KTM? अल्लाह हाँ भैया आप स्टंट करते हो? मैंने नहीं। फिर उनके मुंह पे एक्सप्रेशन देखने लायक होता है बिकॉज उनके लिए ये हो जाता है LHS नॉट इक्वल टू RHS। सम ब्यूटिफुल टार्मैक रोड्स हैव कम, डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग इट गोना लास्ट बट इट्स ब्यूटिफुल। जो भी मेरे से हो पाता है वैसे लीनिंग करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सो ग्रीन मैन, सो ग्रीन। दिल्ली में ये ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है, बहुत ही ज़्यादा। आई बिलीव वी हैव रीच्ड अल्मोड़ा बिकॉज दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक टू बी अ प्रॉपर टाउनशिप अ सिटी। I'm not sure though. So this is a very famous shop. I mean, जब हम वहाँ पे थे ग्वालधाम में थे और इवन कौसानी में जब थे everyone referred to us about this particular shop. Bhim Singh, Mohan Singh and said that if you're passing by Almora just make sure you stop there and get yourself Bal Mithai and it's so famous, it's you can see the crowd. So agar aap yahan se aate ho Almora se pass karte ho it's busy, parking here is a bit tricky. Jaise humne bike lagayi aise aapko bike lagana padega. Dekho traffic jam yahan pe lag jata hai to yahi ek dikkat hai. Bahut sare dukaan hai aur यहाँ पे बस ऐसे ही पूछते हैं भैया बाल कितने की है।
तो थोड़ा उसको सुन के घबरा मत जाना, बट दिस इज हाउ इट इज। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको वो भी मिलता है, मतलब आपको अगर लेना है ना तो 1 किलो इज 340 bucks भी है। आपको 250-250 में नहीं मिलेगा, आपको लेना होगा तो 1 किलो लेना होगा या तो 500 का लेना होगा। तो मैंने 1 किलो लिया, 500-500 के दो जगह, एक ऑफिस के लिए एक घर के लिए। यही जो रूट है यही नैनीताल तक निकल के ले जाएगी हमें। तो नैनीताल से उधर से यहाँ से GPS दिखा रहा है मेरा घर 9 घंटा समथिंग। ये कर रहा हूँ मैं रात के 1:15 बजे, फिल्टरिंग थ्रू हाईवे ट्रैफिक। इस जाम का क्या रीज़न है कोई नहीं बता सकता। सुबह का हो या रात, अभी है 2:10 2:10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दिस इज प्रोबेबली द 5th or 6th टाइम आई एम गेटिंग स्टक। पता नहीं कब पहुंचूंगा, सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। तो अभी हम फाइनली पार से नीचे आके ऑलमोस्ट गर्मी में पकते पकाते वी आर एट टोल प्लाजा। मैं तो नाम ही पहली बार देख रहा हूँ, कोयला टोल प्लाजा। क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। हाउस द बम कांटी बंद बाइक्स टच वुड हैव परफॉर्म एक्सीलेंटली वेल।